वह स्थान जहां आधुनिक मानव अपने पूर्वजों से विकसित होकर उस बिंदु तक पहुंचे जहां वे पहचाने जाने योग्य आधुनिक मानव बने। यह प्रश्न लंबे समय तक भयंकर कलह और बहस का स्रोत रहा है। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने आपके साथ आदिमानव ने क्यों अफ्रीका के जंगलों से पलायन किया आदि की जानकारी साझा की थी, और आज हम जानेंगे हमारे पूर्वज कौन थे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर। प्रारंभ में जीवाश्म साक्ष्य की कमी के कारण अफ्रीका को नजरअंदाज कर दिया गया था, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि अफ्रीका वास्तव में वह स्थान है जहां हमारी साझी उत्पत्ति हुई होगी। हालांकि पिछले कुछ दशकों में नई पुरातात्विक खोजों, बेहतर डेटिंग और आनुवंशिक साक्ष्य के कारण यह स्पष्ट हो गया है कि अफ्रीका वास्तव में वह स्थान है जहां हमारी सबकी उत्पत्ति हुई है। आज प्रमुख दृष्टिकोण यह है कि पुरातन मानव आमतौर पर होमो हिडलबर्गेंसिस को माना जाता है, जो स्वयं होमो इरेक्टस से विकसित हुआ लगभग 20 लाख साल पहले पूर्वी या दक्षिणी अफ्रीका में धीरे धीरे होमो सेपियंस में विकास हुआ। ऊंची गोल खोपड़ी के आधुनिक मानव का पहला संकेत लगभग 2 लाख साल पहले इथियोपिया में दिखाई देता है। अफ्रीका के भीतर ही हम एक अलग प्रजाति नहीं थे, बल्कि अनेक प्रजातियां थी जो समय के साथ खत्म हो गई। उनका पुरातन प्रजातियों के साथ कुछ हद तक मिश्रण हुआ, लेकिन इसका विवरण अभी तक स्पष्ट नहीं है। पहली ज्ञात होमो सेपियंस प्रजाति जो अफ्रीका से बाहर निकली वह इजराइल में स्खुल और कब्जे के स्थलों पर पाई जाती है। दुनिया भर में यात्रा के दौरान होमो सेपियंस को अन्य मानव प्रजातियों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उन्हें कुछ क्षेत्रों में हरा दिया और उस पर अपनी मुहर लगा दी। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कुछ, निश्चित रूप से कम नियंडरथल और डेनिसोवन ने भी हम पर अपनी छाप छोड़ी। हमने उनके साथ संबंध बनाए और नियंडरथल और डेनिसोवन दोनों डीएनए आज भी गैर अफ्रीकी डीएनए में दिखाई देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन दो प्रजातियों के साथ यह हमारा पहला संबंध नहीं था, क्योंकि लगभग 5 से 7 लाख साल पहले भी हमारे उनके पूर्वज एक ही थे। तो कुल मिलाकर हमारा विकास स्पष्ट रूप से एक सीधी रेखा नहीं था, बल्कि एक निराशाजनक रूप से कठिन पहेली की तरह है। दोस्तों, ह्यूमन एवोल्यूशन से जुड़ी सभी घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं एक और नई नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।